हेलो, वेलकम टू शुभीज मामा चैनल। आज की रेसिपी है बच्चों की फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़। आप घर पे फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक बड़ा आलू लीजिए। एक पैन में आप छोटे से कटोरे में पानी लीजिए, उसमें अच्छे से पानी में लंबे लंबे इस तरह से आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बना लीजिए। इसको तीन चार पानी से आप वॉश करिएगा। जब वॉश कर लेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल पानी साफ़ हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी स्टार्च नहीं बचा है, देख लीजिए आप। दो तीन पानी से साफ़ करने के बाद इस तरह आलू साफ़ हो जाने चाहिए। उसके बाद आप एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्टेन कर लीजिए उसको। अब एक कढ़ाई में ऑयल रखिए गर्म होने के लिए। इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में रखिएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आप फ्राइज़ को इस तरह से उठा के कॉर्नर से पैन में डाल दीजिए। देख लीजिए ऑयल परफेक्ट हॉट हो जाना चाहिए, तभी सारे फ्राइज़ को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हम फ्राइज़ को निकाल लेंगे। आप किसी भी प्लेट में एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसको रख लीजिए और देख लीजिए फ्राइज़ अच्छे से क्रिस्पी हो जाने चाहिए। उसके बाद हमको फ्राइज़ पैन में से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार और मैकडी स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। और दिख रहे हैं आपको कितने इजीली बिल्कुल ब्रेक हो रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बच्चों को बहुत पसंद है इस तरह की रेसिपी। तो हम बच्चों को घर पे ही होममेड फ्रेंच फ्राइज बना के दें वो ज़्यादा बेटर है। फ्रोज़न में भी कब से बने रहते हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज़ और न्यूट्रिशंस बिल्कुल चले जाते हैं। इसलिए आप बच्चों को होममेड फ्रेंच फ्राइज बना के दीजिए। आप सॉस मायो के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।